चार बातें, चार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान से समझिएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ही वैलिड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ही वैलिड है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, उसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर आर भी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, अभी ऊपर अभी इधर। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नो, अभी एक्सेलरेशन इधर और फिर इधर, डायरेक्शन इज चेंजिंग, बट स्पीड चेंज कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? अगेन बात किसकी हो रही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब है स्पीड। क्या चेंज हुआ उसमें? कोई चेंज नहीं हुआ, आंसर विल बी जीरो। व्हाट इज द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन? स्पीड कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हुआ, दैट विल बी अगेन जीरो। बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? वेलोसिटी तो चेंज हुई ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? तो आप आंसर करेंगे 2v। ये एंगल कितना घूम गई है बॉडी? 60, तो 2v साइन 60 बाय 2 यानी 2v साइन 30। 2v साइन 30, और साइन 30 कितना होता है बेटा? 1/2, तो आंसर विल बी v। सिमिलरली व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन? तो आप बोलोगे 2a साइन 60/2। साइन 60/2 मतलब साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2, 2a इंटू 1/2 यानी a, और a की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? v स्क्वायर बाय r से। थैंक यू सो मच।